नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद है चेंबूर में और हमारे साथ यहाँ पर आप जैसे देख सकते शिवसेना के सभी युवा यहाँ पर मौजूद है। योगेश जी हमारे साथ है। योगेश जी स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं आपके पीछे पूरा युवाओं की फौज खड़ी है शिवसेना के साथ, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप आज देखोगे यहाँ पे तो भारी संख्या में युवा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। वो इकट्ठा हुआ है क्योंकि राहुल शेवाले जी जो हमारे नेतृत्व है, राहुल शेवाले का जो नेतृत्व सबको मंजूर है। आज आप देखोगे कि पूरे हमारे घाटला गांव में चेंबूर परिसर में एक धनुष्य बांध की एक सैलाब जैसी हवा पसर रही है। राहुल शेवाले के बारे में अगर मैं कहूँगा कि उनका जो काम है पूरा चेंबूर विभाग में, खासकर घाटला में भी, आप देखोगे कि कोई भी युवा कोई भी प्रकार का काम अगर लेके जाता है तो वह वहाँ से नाराज नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम वही होता है कि उनके पास पहुँचने के लिए दिक्कत होती थी। वो दिक्कत की होती थी कि हमारे यहाँ के जो स्थानिक नेता है वो नेता हमें वहाँ पे पहुँचाते नहीं थे, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर घाटला का कोई भी इशू रहेगा तो हमारी जो युवा है वो युवा का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। अभी उनकी जो सौभाग्यवती है कामिनी शेवाले, वो भी डैशिंग, उनकी पर्सनैलिटी है डैशिंग, कार्य राजकारणी है, तो मुझे उन्होंने एक आश्वासन दिया कि योगेश घाटला का भी कुछ भी काम रहेगा तो हम राहुल शेवाले साहब के साथ मैं खुद आके यहाँ पे करूँगी। और यहाँ पे जो 10 साल से जो भी इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही थी, अभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रस्ते पे उतर के अभी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे युवा की अगर हम बात करें तो रोजगार को किस तरह से आप देखते हो, किस तरह से अगर राहुल शेवाले जी जीते तो किस तरह से उस पर आप देखते हो? अगर आप देखोगे तो आज स्टीवन जी को भी मालूम रहेगा कि हर हफ्ते में मैं एक पोस्ट डालता हूँ, मैं कम से कम 10 या 15 कंपनी के साथ मेरा टाइप है, तो घाटला की जो ज्यादा से ज्यादा युवा है उनको जॉब कैसे मिले इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। और मुझे गर्व नहीं है लेकिन अच्छा लगता है कि मोर देन 200 प्लस आज घाटला के 150 वार्ड के जो भी युवा है उनको मैंने जॉब पे लगाया। लेकिन अभी मुझे एक राहुल शेवाले साहब है या कामिनी शेवाले मैडम है, उनका अगर मुझे साथ मिलता है तो ये काम मैं अभी 2 गुना नहीं तो 5 गुना से कर सकता हूँ। आज आप देखोगे तो हर हफ्ते में, हर 10 दिन में जो महात्मा ज्योतिबा फुले, आयुष्मान भारत है, उन योजना के अंतर्गत बहुत ऐसे जो पीड़ा यहाँ पे गरीब लोग हैं हमारे घाटला में, 2 वक्त की रोटी भी वो खा नहीं सकते, उनके लिए ये सो ये योजना है, वो योजना का मैं उनको लाभ करके देता हूँ। और अगर यही मुझे सपोर्ट हमारे खासदार राहुल शेवाले साहब और कामिनी शेवाले मैडम का मिलता है तो अगर हफ्ते में अभी 1 या 2 कर रहा हूँ, वही हफ्ते में नहीं वो दिन में 1 या 2 जन का मैं ऑपरेशन और ये सब योजना के अंतर्गत 2 और 3 गुना तेजी से कर सकता हूँ। शिवसेना की अगर हम बात करें तो 2019 की अगर हम बात करें शिवसेना में सिर्फ धनुष्य बाण बोला तो शिवसेना कहा जाता था, लेकिन अब मशाल और धनुष्य बाण ये 2 अलग शिवसेना 2 विभागों में बढ़ गई है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से फर्क पड़ेगा इलेक्शन? देखो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि ये जो बाले किला है ना वो शिवसेना जो पुरानी शिवसेना है, पुराना अपना धनुष्य बाण है उसकी, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यून येणार कौन, तो धनुष्य बाण शिवाय आए कौन, यही मोर्चा यही आवाज सब जगह से आपको आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे और भी युवा है उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सपोर्ट है आप, जैसे अगर हम राहुल शेवाले जी की बात करेंगे तो किस तरह का सपोर्ट है उनको आपके एरिया में, किस तरह का सपोर्ट है? जैसे कि राहुल शेवाले जी है वो यंग नेता है और उनके साथ पूरा यंग जनरेशन पूरा उनको सपोर्ट करता है। इसी तरह से देखो राहुल शेवाले जी है जो करंट सरकार में है और हम चाहते हैं कि वही सरकार अगर कंटिन्यू होती है तो युवाओं के काम, युवाओं की छोटी छोटी चीजें है वो काम होते रहेंगे। किस तरह की अपेक्षा है आपको अगर राहुल शेवाले जी जीतते हैं इलेक्शन तो किस तरह की अपेक्षा है? अपेक्षा यही चाहते हैं कि लोगों को, मतलब जो नई नई पीढ़ी है उनको नौकरी मिले, ओके, या फिर कोई जैसे कि छोटे मोटे बिजनेस में उनको उनका सपोर्ट मिल सके, यही हम चाहते हैं। हमारे जो आदरणीय विभाग प्रमुख है जो अविनाश राणे साहब, उनके नेतृत्व में और मेरे नेतृत्व में हम घाटला वार्ड क्रमांक 53 यहाँ से पूरा
युवा का एक रैली निकल रहे हैं और वो रैली का अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ये युवाओं की रैली निकलने के बाद ऑलरेडी तो धनुष बाण की इधर हवा है लेकिन जैसे हम लोग टारगेट कर रहे थे उससे भी ज्यादा वोट यहाँ से हम लोग मिलने की आशा करेंगे ये रैली निकलने के बाद। गद्दार आणि एकनिष्ठा जे बोलता है ना मी त्यांना एवढंच सांगेन की 10 वर्षात तुम्ही पण इकडे होते या स्थानिक नेत्यांना मग या 10 वर्षामध्ये तुम्ही का नाही डेव्हलपमेंट केली मग जर मी तुम्हाला गद्दार म्हणलं चालेल का पण मी तसं बोलणार नाही कारण की हा जो शब्द आहे हा भरपूर एक म्हणजे आपण विचार करू शकत ना हा एक धब्बा आहे त्यामुळे मी तुमच्या वयाचा पण लिहास ठेवतो आणि तुमचा जे राजकीय तुमची जी पोस्ट आहे त्याची पण लिहास ठेवतो म्हणून माझ्या स्थानिक उमेदवारांना मी हा शब्द कधी बोलणार नाही। राहुल शेवळे साहेबांनी तुम्ही कधी पण बघा की 10 वर्षांमध्ये जी कोणती पण कामं असेल त्यासाठी त्यांनी कधीच बॅकफूटला आले नाही कधीच कोणाला पाठी पाठवलं नाही तर तुमच्यामुळेच या स्थानिक नेत्यांमुळेच त्यांनी कधी ते लक्ष दिलं नाही।